क्या हुआ? जब रात को 2 बजे एक मुस्लिम महिला घुस गई अयोध्या में, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वाक्य को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि कैसे मुस्लिम महिला की बेवकूफी पड़ी उसे महंगी और उस मुस्लिम महिला के साथ हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा कई बार सुना होगा कि अयोध्या बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर महंत आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। इन सभी बातों को देख व सुनकर कई लोग चोरी छुपे यहाँ जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ये सब देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या होता है, क्या राम जी यहाँ सचमुच आते हैं। इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए लखनऊ की एक मुस्लिम महिला ने रात को अयोध्या में चुपके से जाने का तय किया। शायद उसे यह पता था कि अयोध्या में रात को उन्हें कोई जाने नहीं देगा, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने की बात किसी को नहीं बताई और अपने घर से घूमने का बहाना बनाकर निकल गई। वह दोपहर में अयोध्या पहुंच गई और मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद पंडित जी से वहाँ उससे किस्से कहानियाँ सुनने लगी। पंडित जी ने भी उसे वहाँ हुए चमत्कार के बारे में बताया और वह पंडित जी की बात सुनकर वह मन ही मन खुश होने लगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उस मुस्लिम महिला ने आज रात को अयोध्या में चुपके से रुकने की ठान ली और देखते ही देखते शाम हो गई और मंदिर बंद करने का समय आ गया। सब श्रद्धालु मंदिर से बाहर जाने लगे और वहीं बंदरों ने भी मंदिर को खाली कर दिया। तभी चुपके से मौका देखकर मुस्लिम महिला झाड़ियों के पीछे छुप गई और वहीं इंतजार करने लगी। कर्मचारी समेत पुजारी ने 2-3 बार मंदिर को अच्छे से देखा कि कोई यहाँ रह तो नहीं गया, पर वहाँ मुस्लिम महिला इतनी चालाकी के साथ झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठी थी क्योंकि वो इसे ढूंढ नहीं पाया। तभी मंदिर बढ़ाने का समय आ गया। मंदिर का कपाट बंद कर सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह मुस्लिम महिला उस वक्त वहीं मौजूद रही और राम जी की एक झलक देखने के लिए काफी उत्सुक थी। परंतु अगले दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो महिला उस मंदिर में ऐसी अवस्था में मिली जिसे देख सब हैरान हो गए। पुजारी समेत अन्य लोग जब कपाट खोलकर मंदिर में पहुंचे तो उस मुस्लिम महिला को देख सब दंग रह गए। वो महिला बेहोश हालत में जमीन में गिरी हुई थी और जब वहाँ के लोगों ने महिला के ऊपर पानी छिड़काव करके उसे उठाया तो उसने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और खुद के बाल खींचने लगी। जब वहाँ के कर्मचारी उसे डॉक्टर के यहाँ ले गए तो पता चला कि अब वो महिला पूरी तरह पागल हो गई है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब परेशान हो गए। बहुत ढूंढने पर उस महिला के माता पिता का पता चला और उनको उनके माता पिता को सौंप दिया गया। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई, पर सब ने यही कहा कि उसकी बेवकूफी का परिणाम था। जिस किसी ने भी चोरी छुपे अयोध्या में रुककर राम को देखने की या रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, या तो वो पागल हो गया है या फिर अंधा, या फिर उसकी उपकरण खराब हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वो मुस्लिम महिला आज भी इसी हालत में है और ये सभी के मन में ये रहस्य बना हुआ है कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।